अर्धकुंवारी हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वे टू भवन इधर और चरण पादुका इधर। बैटरी कार्ड टिकट काउंटर भी इधर ही है, 250 मीटर की दूरी पर, 250 मीटर की दूरी पर रह गया। एटीएम भी है यहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। अभी हम हरिद्वारी लगभग पहुँच गए हैं। यहाँ से 250 मीटर दूरी पर बैटरी कार काउंटर है, वहाँ जाएंगे। टिकट हमने ऑनलाइन करा लिए थे। पूरा बैटरी कार स्टैंड यहाँ पे। यह जी बैटरी कार स्टैंड, और अभी 3:30 बजे काउंटर खुलेगा, तभी चल पाएंगी। चाहे आपके पास टिकट है या नहीं है, टिकट नहीं है तो काउंटर से टिकट ले लीजिए और उसके बाद वेट कीजिए अपने टाइमिंग का। जो ऑनलाइन करा के आए हैं उसका टिकट पे ही टाइमिंग लिखा रहता है, कितने बजे आपको मिलने वाली है गाड़ी, उतने बजे आपको गाड़ी मिलेगी, उससे पहले आप नहीं जा सकते। और पहले ऑनलाइन वालों को ही जाने दिया जाता है। यहाँ पर सब भीड़ लगी हुई है बैटरी कार से जाने वालों के लिए। ये वाला काउंटर उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन टिकट करा के आए हैं, और लेफ्ट में जो ये काउंटर बना हुआ है ये उन लोगों के लिए है जो ऑफलाइन यहाँ से ही टिकट खरीदेंगे। मैं लाइन में लग चुका हूँ ऑनलाइन टिकट काउंटर वाली। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। अभी पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा बैटरी कार से आप कैसे जा सकते हैं। और ये है टिकट हमारा जो हमने ऑनलाइन ही करा लिया था, लेकिन इसको वेरीफाई यहाँ कराना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। तो गाड़ी पे टिकट पे नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप गाड़ी में बैठेंगे। हमारा है 28। आ जाओ। अगर आप ऑनलाइन टिकट कराकर भी आए हैं तो भी आपको यहाँ पर अपना टिकट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक पर्ची मिलेगी, एक टिकट मिलेगा कुछ इस तरह का, और उस पर गाड़ी नंबर लिखा होता है। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर ऑफलाइन टिकट खरीदते हैं तो भी आपको इसी तरह की रेड कलर की स्लिप मिलेगी जिस पर गाड़ी नंबर लिखा रहता है। और यहाँ पर सभी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आपके टिकट पर जो नंबर है आप उस गाड़ी में बैठ जाइए, और तय समय पर भी ये गाड़ी चलेगी। हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, हमारी गाड़ी नंबर है 28। और अलग अलग टाइम स्लॉट पर यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं। हमारी गाड़ी अभी अर्धकुंवारी से भवन के लिए निकल पड़ी है। जय माता दी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम अब आपको बैटरी कार से अर्धकुंवारी से भवन तक लेकर जाएंगे। पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे। अभी आप देख ही रहे हैं, ये कुछ रास्ता है अर्धकुंवारी से भवन जाने वाला, इसको हिमकोटी मार्ग बोला जाता है। बैटरी कार के टिकट की बात करूं तो एक व्यक्ति का टिकट है अर्धकुंवारी से भवन तक 354 रुपये, वापस आने के लिए अलग टिकट है भवन से अर्धकुंवारी तक का 236 रुपये का। सारी टिकट आप ऑनलाइन करा सकते हैं, आप चाहें तो काउंटर पर आकर यहां भी टिकट खरीद सकते हैं। गाड़ी अलग अलग टाइम स्लॉट पर चलती है, सुबह 8 बजे से गाड़ी चलना शुरू हो जाती है जो रात को 10-10:30 बजे तक चलती है, लेकिन बीच बीच में 1.5 से 2 घंटे का गैप भी रहता है। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी का टाइमिंग 3:30 बजे है, जैसे हमारी गाड़ी का टाइम था 3:30 बजे जो टिकट पर ही दिया गया था, तो 3:30 बजे ही काउंटर खुलता है। आपका ऑनलाइन टिकट है तो उसको भी आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। अगर नहीं टिकट लेकर आए हैं तो आप वहाँ पर टिकट खरीद सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन टिकट लेकर आए हैं उनको वरीयता दी जाती है, पहले उन लोगों का नंबर आता है, उसके बाद ऑफलाइन वालों यात्रियों को गाड़ी में बैठाया जाता है। तो ये कुछ प्रोसीजर है यहाँ पे बैटरी कार से जाने का। टिकट के प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं। फिलहाल आप भी सफ़र कीजिए हमारे साथ अर्धकुंवारी से श्री माता वैष्णो देवी भवन तक का। जय माता दी। है वो खूबसूरत रास्ता जो हमें माता वैष्णो देवी के भवन तक लेकर जाएगा। इसके अलावा अगर आप कटरा से खच्चर के थ्रू आना चाहते हैं तो खच्चर वाले चार्ज करते हैं 1200 रुपये भवन तक के, जो पुराने रास्ते से ही आते हैं, बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी होते हुए, सांझी छत होते हुए भवन तक पहुँचते हैं। अगर आप पालकी से आना चाहते हैं तो 3,350 रुपये वो चार्ज करते हैं। और अगर आप कटरा से
अर्धकुंवारी तक खच्चर से आना चाहते हैं तो 600-700 रुपये वो लेंगे, आप अर्धकुंवारी तक आ सकते हैं। और अर्धकुंवारी के बाद आप बैटरी कार से जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं ऐसे चल सकते हैं। तो बहुत सुविधाएं अब हो चुकी हैं माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान, जगह जगह आपको हम दिखाई रहे थे, पीने के पानी के लिए बूथ बने हुए हैं, आरओ वाटर है, गर्म पानी, ठंडा पानी, सभी तरह का यहाँ पर सुविधा है, मेडिकल सुविधाएँ हैं, शौचालय हैं, खाने पीने के लिए भोजनालय बने हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये सफ़र रहता है। यहाँ भी सामने एक भोजनालय बना हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ही। काफ़ी लोग यहाँ पर पैदल ही यात्रा करते हैं और पैदल यात्रा करने का भी अपना एक अलग ही अनुभव रहता है। मैं आपसे पहले कई बार माता वैष्णो देवी यात्रा कर चुका हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं बैटरी कार से अर्धकुंवारी से भवन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इस बार मेरे साथ मेरी वाइफ और छोटी बच्ची है तो इस वजह से हमने बैटरी कार के टिकट ऑनलाइन करा लिए थे। ऑनलाइन टिकट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी पहले ही आपको बुकिंग करनी होगी, वरना ये सारी बुकिंग फेल हो जाती है। और एक स्लॉट में 25 बुकिंग होती है, यानी 3:30 बजे 25 लोगों के लिए बुकिंग होगी और 3:31 पर 25 लोगों के लिए और बुकिंग होगी और 3:32 पर फिर 25 लोगों के लिए और बुकिंग होगी। इसी तरह से टाइम स्लॉट बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे का टाइम स्लॉट है, उसके बाद 10:30 बजे के आसपास 3 गाड़ियाँ हैं, उसके बाद 1:30 बजे के आसपास 3 गाड़ियाँ हैं, और ऐसे ही 3:30 बजे हैं शाम को, और उसके बाद 5:30 बजे और रात में भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। जो टाइम आपके टिकट पर होगा उसी टाइम पर ही गाड़ी मिलेगी, उससे पहले आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। काउंटर बंद रहता है और जब काउंटर खुलेगा तब टिकट वेरीफाई होगा, या फिर अगर ऑफलाइन आप टिकट खरीदते हैं तो भी आपको काउंटर खुलने के बाद टिकट मिलेगा, उसके बाद ही आप बैटरी कार में सफ़र कर पाएंगे। अर्धकुंवारी से भवन तक पहुँचने में मात्र 20-30 मिनट लगते हैं, डिपेंड करता है कि गाड़ी कितना स्पीड पर चल पा रही है, और स्पीड डिपेंड करती है कि रास्ते में ट्रैफिक कितना है, यानी श्रद्धालु कितने। अगर श्रद्धालु ज़्यादा होते हैं, भीड़भाड़ ज़्यादा होती है तो गाड़ी धीरे धीरे चलती है, अगर रास्ता एकदम साफ़ होता है, क्लियर होता है, श्रद्धालु कम रहते हैं तो गाड़ी थोड़ा स्पीड पर चल जाती है। रिटर्न आने में तो मात्र 15 मिनट लगते हैं भवन से अर्धकुंवारी तक बैटरी कार में। वो सारी जगह आपको दिखाएंगे, कहाँ से बैटरी कार का टिकट आपको मिलेगा रिटर्न आते वक्त, वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। यहाँ आ गया है श्री माता वैष्णो देवी का एक और भोजनालय। हिमकोटी मार्ग की खास बात पता है ये है कि यह पूरा ही रास्ता टीन शेड से कवर्ड है, और अगर आप ताराकोट मार्ग से आते हैं तो ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर भवन तक आपको ऐसे ही कवर्ड रास्ता मिलेगा। हम लोगों ने ताराकोट मार्ग से ही पैदल यात्रा की थी अर्धकुंवारी तक। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो 2nd एपिसोड है वो, आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुरू से इस पूरी जर्नी को देखिए, एपिसोड 1, एपिसोड 2 और ये आप देख रहे हैं एपिसोड 3। आगे भी ऐसी एपिसोड आपके लिए बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे, तो पूरी सीरीज़ देखिएगा शुरू से, आप ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे और आप पूरी यात्रा के बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी। यहाँ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर टीन शेड नहीं है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भवन पर। ये है भवन का बैटरी कार स्टैंड और आगे है मनोकामना भवन। चलिए आगे चलते हैं और पूरी यात्रा आपको कराएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भवन पे और यहाँ से प्रसाद लेंगे, खरीदेंगे, फिर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं प्रसाद की दुकान पर। यहाँ पर 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के अलग अलग प्रसाद की रेंज है। हम 70 रुपये वाला लेने वाले हैं और ये सबसे पहली दुकान है प्रसाद की। इसके बाद 2 या 3 दुकानें और हैं प्रसाद की, आप किसी भी काउंटर से प्रसाद खरीद सकते हैं। 70 रुपये में कुछ इस तरह का प्रसाद का पैकेट मिलता है। और अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे प्रसाद चढ़ाने जाएंगे मंदिर की। पूरी यात्रा को कराएंगे जहाँ तक कैमरा अलाउ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ना कुछ काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, रास्ते पर टाइल बिछाई जा रही है। तो अभी इस वक्त यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, शाम के करीब 4:15-4:30 बजे हुए हैं और वेदर क्लाउडी है, बहुत घने बादल छाए हुए हैं, तो लग रहा है कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी।
ये है एग्जिट गेट रोप वे वाला, भैरव बाबा के लिए जो रोप वे जाता है, तो जब वो वापस आती है तो इधर से ही एग्जिट होता है। और राइट हैंड पर जो ये जाली आप देख रहे हैं और जाली के पीछे जो लोग देख रहे हैं ना खड़े हुए, ये है बैटरी कार टिकट काउंटर की लाइन। यहाँ से रिटर्न जाने के लिए, अर्धकुंवारी जाने के लिए बैटरी कार के लिए टिकट मिलते हैं, उनकी लाइन लगी हुई है। और सामने है मनोकामना भवन, ये आ गया मनोकामना भवन फेज सेकंड। इधर मनोकामना भवन फेज वन, यहाँ भोजनालय और डॉर्मेटरी है, और इधर भी भोजनालय है और फ्री यात्रियों के लिए स्टे करने के लिए भी जगह अवेलेबल है। ये है मनोकामना भवन का फेज सेकंड, यहाँ से ही रोपवे के लिए टिकट मिलता है। और ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ नीचे है फ्री रुकने की व्यवस्था, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और सामने एक और भेंट शॉप बनी हुई है जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, हमने ऑलरेडी प्रसाद खरीद लिया है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है आज भी यहाँ पर, और माता वैष्णो देवी भवन पे तो पूरे साल ऐसी ही भीड़ लगी रहती है। अब यहाँ से रास्ता अलग अलग डाइवर्ट हो रहा है, ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है राइट हैंड पर सागर रत्ना से आगे, ये रास्ता जाता है भैरव बाबा मंदिर की ओर। और ये सामने जो सीधा रास्ता जिस पर अभी हम लोग आ गए, हमें ये रास्ता लेकर जाएगा माता वैष्णो देवी भवन तक, मुख्य मंदिर तक। हमारे राइट हैंड पर आप ये रेलिंग देख रहे होंगे जहाँ नीचे ये मैट बिछी हुई है, जब ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है तो यही तक लाइन लग जाती है दर्शन करने वालों की। अभी यहाँ पर लाइन नहीं है, यानी कि आसानी से दर्शन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम जा रहे हैं नीचे अपना सामान लॉक रूम में देने के लिए, क्योंकि भवन में ना तो कैमरा ले जा सकते हैं, ना मोबाइल, ना पर्स, ना वॉलेट, ना बेल्ट, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। सारा सामान हमें लॉकर रूम में रखना होगा, वहीं हम लोग जा रहे हैं, और लॉकर रूम पूरी तरह से फ्री है। अभी हम लोग लॉकर रूम में जा रहे हैं, नीचे अपना सारा सामान, सारा लगेज, बेल्ट, पर्स, जो भी लगेज है सब यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद हम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। उनकी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, फ्री लॉकर है, कोई इसके लिए चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये है माता वैष्णो देवी भवन का लॉकर, काफ़ी बड़े बड़े लॉकर हैं, इसमें आप अपना सारा सामान रख दीजिए, आपका बैग है, आपके मोबाइल, पर्स, वॉलेट सब रख के आप जा सकते हैं, वही हमने किया है। अब हम आपसे मिलेंगे दर्शन करने के बाद, क्योंकि कैमरा वहाँ अलाउ नहीं है। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, बहुत बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, भीड़ ना के बराबर थी तो दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी वापस लॉक रूम से अपना सामान लेकर निकल गए। साढ़े पाँच बजे हुए हैं और अब दर्शन बंद हो गए हैं, अब VIP दर्शन होंगे, पूजा आरती वगैरह होगी, इसलिए अभी 2-3 घंटे तक कम से कम यहाँ पर लाइन लगेगी, इसके बाद ही दर्शन हो पाएंगे। शाम को 5:30 बजे के बाद आम लोगों के लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो आरती का समय होता है और VIP दर्शन करवाए जाते हैं। तो 5:30 बजे के बाद 8:30-9 बजे तक काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि उस वक्त आप लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं। हमने पहले ही दर्शन कर लिए हैं तो हमें ये बहुत फ़ायदा हो गया है जल्दी आने का। अभी हम खाने के लिए सोच रहे हैं, कुछ डिनर वगैरह यहाँ करेंगे, तो अभी आगे बढ़ गए हैं हम लोग। ये जो आप लेफ्ट हैंड पर रेलिंग देख रहे हैं ना, ये सब यहाँ लाइन लगने वाली है अभी थोड़ी देर में। ये है पूरा मार्केट जहाँ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और ये सीधा रास्ता आगे भैरव बाबा के लिए जाता है, और आगे से ये रास्ता डाइवर्ट होते हुए सांझी छत होते हुए अर्धकुंवारी तक भी निकलता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बन चुके हैं, तो खाने पीने के लिए आपको सिर्फ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भोजनालय पर ही डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, अब तो अच्छे अच्छे ढाबे यहाँ बने हुए हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। तो आज हम भी कुछ ऐसा ही ट्राई करने वाले हैं, अब देखते हैं कि किस रेस्टोरेंट में चलें। दो मसाला डोसा और एक दूध, दूध बच्चे की मतलब का है,
अमूल एक दूध है दे रहा हूँ। खाने में हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा और मिष्ठी के लिए दूध ऑर्डर कर दिया है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ के कुछ फ्री एकोमोडेशन में और देखेंगे कि रुकने के क्या इंतजाम है। और मिष्ठी क्या कर रही है? मिष्ठी लिएगी दूध। मिष्ठी के लिए हमने दूध मंगा लिया। डिनर हमारा हो गया है, अब हम जा रहे हैं आगे क्योंकि रात का स्टे भी हमें भवन पर ही करना है और ऑनलाइन हमारी कोई बुकिंग नहीं थी क्योंकि लिमिटेड ही यहाँ पर डॉर्मेट्री और लिमिटेड ही रूम्स की फैसिलिटी है तो वो ऑनलाइन बुक नहीं हो पाया था। तो फ्री अकोमोडेशन है यहाँ पर, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या इंतज़ाम है मनोकामना भवन में। अभी हम लोग मनोकामना भवन में आ गए हैं। कुछ इस तरह के यहाँ पर रूम्स वगैरह बने हुए हैं, बड़े बड़े हॉल हैं जिनमें तख्त डले हुए हैं। ये आपको दिखाता हूँ मैं किसी रूम में ले जाकर। ये हैं जी कुछ इस तरह के तख्त डले हुए हैं, तो दो तख्त हम लोगों ने ले लिए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर रात को रुकते हैं और ये पूरी तरह से फ्री है। कंबल स्टोर की तरफ लेकर चलते हैं आपको जहाँ कंबल मिलते हैं। यह है कंबल स्टोर का काउंटर, रात को 8 बजे ये खुलेगा, उसके बाद ही कंबल मिलना शुरू होता है। कंबल के लिए सिक्योरिटी प्राइस है एक कंबल का 100 रुपये। जितने भी आपको कंबल लेने हैं उतने आप कंबल ले लीजिए। पैसा पूरी तरह से रिफंडेबल है। नेक्स्ट डे सुबह को जब आप कंबल लौटाएंगे तो आपके पैसे भी आपको वापस कर दिए जाएंगे। एक कंबल का 100 रुपये है। कामना भवन में मौजूद है इस वक्त और यहाँ फ्री एकोमोडेशन है, कंबल वगैरह भी यहाँ पर मिल जाते हैं। आज भीड़ कम है तो सारे रूम खाली पड़े हैं, फ्री है बिल्कुल। तो ब्लैंकेट आपको मिल जाएगा, 100 रुपये सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी और कंबल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। रात को 8 बजे से कंबल मिलना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे भवन से भैरव बाबा के दर्शन कराने के लिए। वो एपिसोड भी बहुत शानदार रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और जैसा कि मान्यता है कि भवन पर माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद भैरव बाबा यात्रा भी जरूर करनी चाहिए, तो वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में कराएंगे। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और ये पूरी सीरीज बहुत शानदार रहेगी जहाँ हम आपको घर बैठे माता वैष्णो देवी यात्रा करवा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।